मंडल मुख्यालय पौड़ी केशवीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर जिला प्रशासन ने एक बार फिर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की, जिससे पूर्व लोगों को प्रशासन की ओर से नोटिस भी जारी किया गए थे, लेकिन कार्रवाई के दौरान प्रशासन और कुछ महिलाओं के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। नगर पालिका अध्यक्ष यशपाल मौके पर पहुंचे और उन्होंने भी मामले को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन प्रशासन की टीम नहीं मानी। वहीं व्यवसायियों का एक प्रतिनिधिमंडल अपर जिला अधिकारी से मिलकर गुहार लगाते हुए कहा कि श्रीनगर मार्ग खोखो में व्यवसाय करते चले आ रहे हैं लंबे समय से, लिहाजा उन पर रहम किया जाए। इस दौरान यूथ कांग्रेस ने व्यवसायियों का समर्थन किया और प्रदर्शन किया। जिला प्रशासन ने व्यवसायियों को दुकान खाली करने के लिए 2 दिन का समय दिया है। पौड़ी से मुकेश पचेती की रिपोर्ट। बुलडोजर आ गया, शासन प्रशासन यहाँ पे आ गया, हमें कोई सूचना नहीं। हमने 2-3 लाख का माल भर रखा, कहाँ ले जाएंगे उसको? एक हफ्ता पहले, एक महीने पहले ये बता दे कि भाई निश्चित है इन्होंने टूटना है, तुम अपनी व्यवस्था करो, तो हम अपनी व्यवस्था कर रहे। मेन बात है जो है ये बुलडोजर लेकर शासन प्रशासन यहीं पर क्यों आ रहा है? मेन मुद्दा हमारा पहले इसका जवाब चाहिए। लोग हैं जिनकी दुकानें हैं, उनको आश्वासन दिया गया था कि यहाँ पर तुम्हारे लिए स्थायी व्यवस्था की जाएगी और तब जाके वहाँ से आपको हटाया जाएगा, लेकिन नगर पालिका अध्यक्ष, विधायक पौड़ी और जिला प्रशासन, इन तीनों ने आश्वासन दिया था कि हम आपकी स्थायी व्यवस्था करेंगे, लेकिन बिना स्थायी व्यवस्था करे हुए सुबह यहां पर जिला प्रशासन पहुंच जाता है और इनकी दुकान तो 1 घंटे का समय देता है, अगर खाली करते हो तो वरना हम तोड़ते हैं। और 1988 में आज से 30 वर्ष पूर्व बनाई गई थी, उस समय की इनकी जो फाइल्स है उसमें इन लोगों के साथ अनुबंध किया गया है कि ये एक अस्थायी व्यवस्था है और नगर पालिका इनको यहाँ पे दुकानें बना करके दे रही है, और वो जो एफिडेविट था वो उस समय 1 वर्ष के लिए हुआ था और तब से अब तक वही एफिडेविट जो है निरंतर चलते जा रहा है। शासन की तरफ से भी इसमें पूर्व में कार्यवाही करी गई, प्रशासन, पुलिस प्रशासन और नगर पालिका प्रशासन मात्र यहाँ सहयोग के लिए उपस्थित है और माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के क्रम में ये सारी कार्रवाई।